किसी ने पूछा कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर कुछ बात कीजिए, तो मैं उसको अभी थोड़ा बहुत दे देता हूँ आइडिया। देखिए, पाकिस्तान की वेरी क्रिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान का वजूद ही इस्लाम के ऊपर आया। जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो मैं पाकिस्तान में क्यों यकीन करूँ? वेरी सिंपल। मैं देखें ना, अभी अगर आप मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ मेरे चैनल पे जो क्रिश्चियन भाई थे वो उन्होंने जो है कुछ क्रिटिसिज्म भी किया मेरा कि आप क्रिश्चियन होके जो है आप अपने आप को हिंदू भी बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार देखो, मैंने स्टडी खुद किया है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज मोर देन जस्ट रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। एक्चुअली यू कैन ऑल्सो बी अ क्रिश्चियन और यू कैन ऑल्सो बी एक्चुअली मुस्लिम एंड देन यू कैन, आप अपने आप को हिंदू भी कह सकते हो। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करता चल जाऊँ, क्योंकि शायद सभी लोगों को जो है वो इस बात के ऊपर जो है, कुछ क्रिश्चियंस को अगर कोई इतराज है तो आप बोल सकते हैं इस लाइव चैट के अंदर। जी, तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो टू नेशन थियरी का आपने यानी तिया पाचा कर दिया कि वंस यू डोंट बिलीव इन इस्लाम, देन द वेरी फाउंडेशन ऑफ टू नेशन थियरी विच वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड इस्लाम, जब आपने छोड़ दिया तो खत्म हो जाता है। फिर नाउ यू आर नॉट पाकिस्तानी, नाउ यू आर एन इंडियन। एग्जैक्टली। मैं हिंदुस्तानी हूँ, रहूंगा, क्योंकि मैं सिंधी हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ में, आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता कि सिंधी जो है वो सिंध एक्चुअली जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। क्योंकि मैं अभी हिंदी सीख रहा हूँ कि लोग, जो भी लोग देख रहे हैं वो थोड़ी मुझे माफ़ करना, हिंदी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू लर्न हिंदी देन उर्दू। मैं उर्दू को भी हिंदी की तरफ जा रहा हूँ, हिंदी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंध जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है इंडियन हिस्ट्री का। इन द वर्ड द सप्त सिंधु एरिया दैट इज रेफर्ड, जहाँ ऋग वेदास लिखी गई थी, वो भी सिंध और पंजाब के एरिया में लिखी गई थी। तो कल्चरली जो भी लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम मुसलमान जो है वो अपने आप को पता नहीं अरब समझते हैं, या फिर उनको लगता है कि भाई हम घोड़े पे चढ़ के आए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ, सस्ते अरब है। और मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन मैं बस ये कहता चलूं कि मैं सऊदी अरब में रह चुका हूं और वहाँ अरब जो है वो पाकिस्तानियों को जो है वो थर्ड क्लास सिटीजन मानते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है वैसे। और ये अपने आप को जो है वो अरब समझते रहते हैं, अपने सारे कल्चर और अपनी आइडेंटिटी के जो है वो उसको जो है गलत समझते हैं, अपने आप को। उनको शर्म आता है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे। तो मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैंने सच का साथ देने का फैसला किया है और जो है अगर खुदा ने चाहा तो देता रहूँगा। बिल्कुल। मैंने बैचलर्स हिस्ट्री के अंदर की हुई थी, तो जितनी ये हिस्ट्री की नॉलेज मेरी है, आई थिंक आई एंड एवरी वन इन पाकिस्तान एक्चुअली शुड कंसिडर देमसेल्व्स फर्स्ट हिंदू। आप सब लोग जो है वो हिंदू अपने आप को समझो, फिर आप जो है वो अलग अलग रिलीजन में जो भी आपको, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सनातन धर्म जो है वो एक सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। और कल्चरली जो है वो हिंदूज आर द पीपल हु लिव आफ्टर द रिवर, मतलब सिंधु दरिया, जो जहाँ से मैं आया हूँ, सिंधु दरिया से इस तरफ ईस्टवर्ड्स जो भी लोग हैं वो हिंदू हैं। ये हमें हिस्ट्री बताती है। इवन द अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उसने जो है वो फतेह किया था इस एरिया को, पोरस के साथ जंग हुई थी, तो उस वक्त भी इन्होंने इंडोस कहा था एरिया को, इंडोस, वहाँ से लफ्ज़ आया इंडिया, इंडस। तो यही हमें भाई, आप पाकिस्तानियों जो भी देख रहे हो यार, आप कुछ तो शर्म कर लो यार, प्लीज़। मोहनजोदड़ो को देख लो, जहाँ पे मैं सिंध से आया हूँ, तो मोहनजोदड़ो को देख लो, वहाँ पे आपको जो है वो हिंदू रेलिक्स, हिंदू कल्चर एविडेंट है। तो कम से कम अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को तो खत्म करो। ये तो एक्सेप्ट करो कि भाई आप लोग हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुए। आई मीन, जस्ट इवन इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ हिंदू, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू गाइस आर कन्वर्टेड। एंड साहिल भाई, सीधी सी बात है, हमारा जो है खाना पीना, बोलना, चेहरा, हर चीज सेम है। और मैं कहूँगी, मैं तो भाई जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुरैश के खानदान, हाशिम कबीले का खानदान से जो है मैं आया हूँ, और जो है मैं सैयद हूँ, या मैं शेख हूँ, या मैं कुरैशी हूँ। ये आपके लिए सवाल है, हाउ डू दे जस्टिफाई पीओके इन स्कूल्स एंड रिलेट टू इस्लाम? देखिए, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए दो हिस्सों के अंदर, ठीक है ना। एक है गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा और एक दूसरा हिस्सा जो है वो मुजफ्फराबाद, जो रियल कश्मीर है, कश्मीर वैली, ठीक है ना। जो सवात वाला एरिया है हमारा पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान वाला, वहाँ के लोग प्रो इंडिया हैं, आई वुड से। बट द पीओके द रियल कश्मीर जहाँ के जो लोग हैं वो आई थिंक दे आर एथनिकली पंजाबीज, दे आर नॉट इवन कश्मीरीज, बट दे आर वेरी एंटी इंडिया, ये मुझे कहना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरी एक वीडियो है, अगर आप देख सकते हैं कि हाउ कैन इंडिया टेक बैक पीओके, अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो है आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस्लाम को रिलेट कैसे करेंगे। देखें यार, ब्रेन वॉशिंग जो है ना इस्लाम की और ये जो पाकिस्तान की, वो बचपन से स्टार्ट हो जाती है। आप खुद ही देख लेना कि भाई हमें समझने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे कंट्री का जो नेशनल एंथम है वो खुद फारसी के अंदर है, जो किसी को समझ में नहीं आती, ठीक है ना। पाक सर ज़मीन शाद बाद, तो किसी भी पंजाबी से पूछ लें या पश्तो पठान से पूछ लें या सिंधी से पूछ लें, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड पर्शियन लैंग्वेज एट ऑल। तो जब लोगों को समझ भी नहीं आएगा तो कहाँ से सवाल पूछेंगे। सही जॉन भी कह रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक, नहीं ठीक है, आप कॉम मैं उसी वाली चीज मैं भी क्योंकि मेरे भाई मुझे बड़ा इमोशनल फील होता है जब कोई मेरे अपने मुल्क से कोई निकल के आता है ना, तो ये बिल्कुल इन्होंने ठीक बोला। और दूसरा इसमें मसला ये है कि देखें, ये जो पीओके कश्मीर का जो मसला है ना, ये क्योंकि मुझे थोड़ा फीडबैक आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ये कश्मीर का जो मसला है ना, क्योंकि इसमें जंग और इसमें कॉम्बैट इन्वॉल्व है, तो इस वजह से ये जो आपका पेशावर वाला साइड है ना, यहाँ पे ज़्यादातर इन्फ्लुएंस है अफ़गान इन्फ्लुएंस, और जो आपका खैबर पख्तून ये जो आपका गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पे आपको लोग प्रो इंडिया मिलेंगे, या आपको कह लें कि क्यों लोग आपको, क्योंकि उनके यहाँ इतना ज़्यादा उनको जंग व जदल की तरफ से उनको ब्रेन वॉश नहीं किया गया। पेशावर वालों को, पेशावर क्योंकि अफ़गानिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड है, अफ़गानिस्तान के अफ़गानियों से इन्फ्लुएंस्ड है पेशावर, क्योंकि और सलूट हमारे कौमी इदारों को कि जिन्होंने आज तक अफगानिस्तान पे कोई बॉर्डर ही नहीं लगाया, कि भाई बॉर्डर तो लगाओ, कोई पूछो तो सही कि कौन आ रहा है तुम्हारे मुल्क में। मतलब अमेरिका यहाँ पे बम मार मार के थक गया अफगानिस्तान में, उनको क्या फर्क पड़ा, वो अफगानिस्तान से उठ के पाकिस्तान आ गए। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है, एक तो ब्रेन वॉशिंग मसला है, और दूसरा है कि हमारे किस इलाके के बॉर्डर किस मुल्क के साथ मिलते हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। शुड आई ऐड समथिंग, अगर आपकी इजाजत हो तो? श्योर श्योर श्योर। देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो उसको कहते हैं ड्यूरन लाइन, ठीक है ना। ये अंग्रेज़ों ने ड्यूरन लाइन बनाई थी। अफगानिस्तान तो NWFP जो हमारा है खैबर पख्तूनख्वा, उसको मानता ही नहीं है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानियों के साथ लड़के लिया था, ठीक है ना। और जब अंग्रेज़ों ने महाराजा रंजीत के साथ जब लड़ाई की थी, तो ये जो पाकिस्तान की आज की बाउंड्री है, ये महाराजा रंजीत का किंगडम था और ये फिर ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया। लेकिन अफगानी कभी भी इस ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई ये पठानों का जो एरिया है, ये तो हिस्टोरिकली ये पठान है, ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। और इवेंचुअली क्योंकि लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि अफगानी इस लाइन को बनने नहीं देंगे। और आप देखेंगे इवेंचुअली जो है, ये जो अफगान है, ये देयर मेन मोटिव, इनका मेन मकसद ये है कि ये वापसी लें खैबर पख्तूनख्वा को, क्योंकि इट ऑलवेज बिलोंग टू खैबर टू अफगानिस्तान इन हिस्ट्री। ये हमेशा ये इलाका जो है वो अफगानिस्तान को बिलोंग करता है। और जो कश्मीर है वो पेशावर वाली साइड नहीं है, कश्मीर जो है मुजफ्फराबाद जो है वो इस्लामाबाद के नॉर्दर्न साइड पे, ये इलाका जो है इंडिया क्लेम करता है। इंडिया खैबर पख्तूनख्वा को क्लेम नहीं करता। जो कश्मीर का जो बाउंड्रीज हैं वो जो अपना क्या क्या नाम था उनका, डोगरा साहब जो थे हमारे किंग थे जो कश्मीर, जी 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 जी, ये जो डिमार्केशन थी ना, ये आती थी मुजफ्फराबाद कश्मीर, ठीक है ना। ये जो मुजफ्फराबाद वाली वैली है, फिर सवात जो है, और जो गिलगित बल्तिस्तान है, दे आर पार्ट ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो आधा जो जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर है वो एक्चुअली असल में पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो बिल्कुल छोटा सा है, पाकिस्तान बहुत छोटा सा, या इट्स लाइक 15-20% ऑफ द एंटायर कश्मीर, या हाँ। और बाकी का जो लैंड मास मेजॉरिटी है वो असल में गिलगित बल्तिस्तान है। तो असल में अगर मैं एज अ अपना बीच की बात रखूं ना, मैं प्रो इंडिया ना मैं प्रो पाकिस्तान, हिस्टोरिकली और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इंडिया को पीओके बिलोंग करता है, क्योंकि प्लेबिसाइड जो होना था यूएन के हिसाब से। अब थोड़ा चैनल जो है हमारा पॉलिटिक्स में जा रहा है, लेकिन मतलब हिस्टोरिकली जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है। आपको पता है हिंदू जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ आई थिंक मोस्टली यार इन सिंध, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे वहाँ कुछ रहे हैं। बाकियों का तो आई I mean, अगर आप स्टैटिकली देखें पाकिस्तान के अंदर या तो वो कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर वो छोड़ चुके हैं या वो भाग गए हैं या उनको मार दिया गया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं एविडेंस दे सकता हूँ इसकी। जो भी हमारे क्रिश्चियन थे पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान की जब आज़ाद हुआ था, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब बनाया था, तब उस वक्त जो है बताया तो ये गया था उसकी तरफ से, मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से, कि यहाँ पे आज़ादी होगी, सेकुलरिज्म होगा और सभी मजहबों को एक मतलब, इवन ही आल्सो सपोर्टेड कादियानीज, उन्होंने कादियानियों को भी सपोर्ट किया। लेकिन हुआ ये आखिर में कि भाई जो पाकिस्तान के आखिर अलग से जो उसके बाद जो हुक्मरान आए, तो जो आई मीन पीपल विद पावर इस्टेब्लिशमेंट जो थी, उन्हों को जो है ये सेकुलरिज्म की बातें समझ में नहीं आई और उन्होंने जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया और ये इस्लामिक जो है आइडियोलॉजी भी दे दी। और इवेंचुअली हिंदूज का जो है वो नरसंहार, आप जिसको कह सकते हैं हिंदी के अंदर, वो हुआ और ज़्यादा लोग भाग गए इंडिया, कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग मर गए। और इवन जहाँ से मैं आता हूँ, मैं अपनी सिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे कुछ हिंदू दोस्त थे, उनके मेरे आंखों के सामने जो है हिंदू टेम्पल्स को जो है वेंडलाइज किया गया था। मैं अपने आंखों, मतलब आई एम एन आई विटनेस। एक भाई थे, मैंने उनका कमेंट देखा, आई थिंक ही सेड ही वाज फ्रॉम रावलपिंडी, ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान। वो मैं ले लेता हूं, अभी मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक मिनट रुकिए। सुपर चैट ना उनको, जी रावलपिंडी के थे पाकिस्तानी भाई, उनसे ये वाला है क्लिंगन काफी कह रहे भाई, रावलपिंडी एंड माय सिस्टर्स सर्वाइव्ड मीरपुर मैसेकर कोविकेट पार्टीशन, लव दिस स्ट्रीम एंड विश हियर। देखें रावलपिंडी के आप हैं, लेकिन आपको देखें ना, सिर्फ आप अपने नाम, आपने अपने शहर के नाम से ही देख लें रावलपिंडी, इसकी हिस्ट्री जो है वो हमेशा इंडियन हिस्ट्री से कनेक्टेड है। द रावल इटसेल्फ अगर आप जाएं, और जी ये बिल्कुल इंडियन हिस्ट्री से कनेक्टेड है। इवन पंजाब के अंदर जो है ना, मोस्ट ऑफ द सिटीज दे आर हिस्टोरिकली कनेक्टेड टू इंडिया एंड हिंदुइज्म। इवन द लाहौर का जो हमारा शहर है, इसका नाम लाहौर क्यों है? ये राम का बेटा था जो लव, आई थिंक हिज नेम वाज लव, उसमें से लाहौर निकला। सो इट वाज अ सिटी, एक्चुअली इट वाज अ सिटी ऑफ राम। यहाँ पे राम के बेटे का शहर था ये। एज ए हंड्रेड्स यू नो, एंड आल्सो लाइक पंजाब की एक सिटी है, आई थिंक कसूर, आई गेस कसूर इज द नेम ऑफ, यस बट आल्सो कसूर। तो ये भी इंडियन जो है, हां राम के बेटे कुछ एग्जैक्टली। तो हमें जो है, आपने जो है अच्छा सवाल पूछा, हमें आप इन्यूमरेबल एविडेंस हैं कि पंजाब से आप भले कोई भी जो है पाकिस्तानी मुसलमान जो भी कह लें कि भाई हम हिंदुस्तान से नहीं हैं, क्योंकि मेरे पाकिस्तानी पंजाबी बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे जब भी ये बात कहता हूँ कि भाई हम तो हिंदू से कन्वर्टेड है, तो मुझे गालियाँ पड़ती है, बोलते हैं नहीं पागल हो गया, हम हिंदू कहाँ हम। तो उनको एक थोड़ा सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होता है, लेकिन सारे पंजाबी नहीं, कुछ पंजाबी दे आर एक्सेप्टिंग ऑफ दिस फैक्ट टू। तो लेकिन अगर आप एनालाइज करें हिस्टोरिकली, पंजाब एंड सिंध ये एरिया तो इंडिया का अनब्रेकेबल पार्ट रहा है हिस्टोरिकली, लिंग्विस्टिकली। पंजाबी, द लैंग्वेज ऑफ पंजाबी इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम प्राकृत, ये प्राकृत से निकली हुई लैंग्वेज है। और इवन द लैंग्वेज दैट आई स्पीक, सिंधी, इज कमिंग डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम संस्कृत से आ रही है। ये पंजाबी प्राकृत से मिलती है और सिंधी जो है वो संस्कृत से मिलती है। सो इनन्यूमरेबल एविडेंस, अगर हम अरब हैं या हम तुर्क हैं या अगर हम एक्सवाइजेड कुछ भी हैं, तो हमारी लैंग्वेज जो है वो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में क्यों आती है? सोचने की बात है ना। हमारे मैं एक हिंदू क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि मैंने सनातन धर्म को पढ़ा है, मैंने हिंदुज़म को पढ़ा है। हिंदुज़म एक ऐसा मज़हब है जो आपको लेवरेज देता है। आप आस्तिक भी हो सकते हो, नास्तिक भी हो सकते हो, लेकिन आप फिर भी हिंदू हो। तो इसकी जो इसकी हिंदुइज्म की जो है ना, हिंदुइज्म तो नहीं, इसको सनातन धर्म कहेंगे। सनातन धर्म की जो है ना पूरा जो उसका मतलब, आप हिंदू भी हो सकते हो और आप क्रिश्चियन भी हो सकते हो, आप एथिस्ट भी हो सकते हो, लेकिन आप हिंदू भी हो सकते हो। इसीलिए जो है ना, आई थिंक आपने सही कहा कि ये एक मेन रीजन था कि इस्लाम जो है उसको खत्म कम्प्लीटली नहीं कर पाया। और ये भी है कि हिंदुओं ने जो है अपना सर कटाया है, लड़े हैं, जी तब जाके जो है, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान का बाजू तो काट दिया ना इन्होंने, पाकिस्तान तो काट, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी और पूरा जो है वो कॉन्कर नहीं करता है। और अभी जो है आई एम वेरी थैंकफुल, मैं खुदा का शुक्रिया करता हूँ कि अभी जो है लोगों की आंखें और सोच खुल रही है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ जुड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं अपनी जड़ों के साथ जुड़ेंगे, वैसे वैसे जो है ना लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी और इंडिया के साथ जुड़ने लग जाएंगे। बेशक बेशक, और वो वक्त दूर नहीं है जब अखंड भारत होगा। क्या बात है। और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो भाई नॉन इंडियन इंडियन हो, आप मतलब आप ऑफिशियल इंडियन नहीं हो लेकिन कहने तौर पे तो आप इंडियन से ज़्यादा इंडियन हो, तो आपका पासपोर्ट भी जल्दी आ जाएगा भाई। क्या बोल रहा है अमित भाई, गलत बोल रहा हो? क्या सही है? क्या बिल्कुल। हम मैंने जितना पढ़ा है जितना समझा है जी, अगर मैं अपने आप को हिंदुस्तानी या इंडियन भारतीय ना बोलूँ तो मैं अपने आप को क्या बोलूँ? पाकिस्तान सिर्फ 70-80 साल पुराना है यार, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। आज से 70 साल पुराने चले जाओ, कोई पाकिस्तान नाम की चीज ही नहीं थी। उससे पहले क्या था? उससे पहले हिंदुस्तान था, भारत था। तो मैं पाकिस्तान कैसे बुला सकता हूँ अपने आप को? और पाकिस्तान का मतलब क्या है यार? पाक का मतलब क्या है? प्योर लैंड ऑफ द प्योर। कैसे ये प्योर हो गया? तो अपने आप को उन्होंने खिताब दिया हुआ है। लेकिन पहले जो है पठान भाई एक आए थे, उन्होंने भी सही पॉइंट किया, पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी है ही नहीं। पठान है, सिंधी है, बलोच है और पंजाबी है, कश्मीरी भी है। तो इवन मैं कहूँगा कि बलोच ये भी कब्जा है। बलोचिस्तान तो इंडिपेंडेंट कंट्री था, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। रहा बाकी पंजाब और सिंध जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता था जी, उसको खसीट लिया और पंजाब को जो है काट दिया। जी जी, पाकिस्तान इज नथिंग बट स्टेट ऑफ माइंड। क्या बात? हाँ एग्जैक्टली, इट्स जस्ट एन आइडियोलॉजी। और जैसे ही आप जैसे हम एक्स मुस्लिम है ना, एक्चुअली हमें थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए। जिस वक्त आप इस्लाम को छोड़ देते हो उस वक्त आप अपने आप को पाकिस्तानी बोलना भी छोड़ दो, क्योंकि आपका मुल्क उसी बुनियाद पे तो बना था। जब आप मुसलमान हो ही नहीं तो आप पाकिस्तान को टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर सकते हो। सही बात है।